हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रेड और आलू का बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस नाश्ता, वो भी दो आलू से। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ही कम चीजों की जरूरत पड़ती है। जो चीजें मैं इस्तेमाल करूंगी वो आपको आसानी से मिल जाती है। तो मैंने इसके लिए लिया है 4 स्लाइस ब्रेड के, काफी हैं इतने, और बड़े वाले लिए हैं। आप चाहें तो स्मॉल भी ले सकते हैं। अगर आप स्मॉल ले रहे हैं तो आप 6 ले लीजिएगा। मैं बड़े ले रही हूँ इसलिए मैंने सिर्फ 4 लिया है। इधर मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। अगर आप बड़ा आलू ले रहे हैं तो आपका एक ही आलू काफी होगा। और आलू को बॉइल करके मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया, 2 आलू ही काफी है। और इधर मैंने लिया है ग्रीन चिली। ग्रीन चिली मैंने तीखी वाली ली है। अगर आपकी ज्यादा तीखी वाली ना हो तो आप 4 से 5 कर लेना। तो अब चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए काम शुरू करते हैं। तो एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे और उसमें हम अपनी ब्रेड को इस तरीके से डालेंगे तोड़ तोड़ के, और हमें इसके आगे पीछे वाले किसी भाग को अलग करने की जरूरत नहीं। इसमें ब्रेड की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं होगी, पूरा ब्रेड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने ब्रेड को कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आलू। आलू को हम इस तरीके से हाथों से मैश करके डालेंगे। आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन 2 ही आलू है तो मैं इस तरीके से मैश कर दे रही हूँ। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप लोग ड्राई अमचूर पाउडर यानी खटाई डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे, मैं होम मेड डाल रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं, यानी मार्केट वाला गरम मसाला डाल सकते हैं अगर आपके पास घर वाला गरम मसाला ना हो तो। फिर हमने 2 प्याज ली है जिसको हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया, ये हम डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च जो हमने मोटी मोटी चॉप कर ली, ये डाल देंगे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे गाजर, जो हमारी येलो वाली गाजर है। अगर आपके पास येलो वाली ना हो तो आप रेड वाली भी डाल सकते हैं। 2 बड़ा चम्मच डालेंगे और इसको हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया है और ग्रेट नहीं करना है। अब इसके बाद हमने 1 शिमला मिर्च लिया है जिसको मोटा मोटा चॉप कर लिया, ये डाल देंगे। आप इसमें और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो डाल लीजिएगा, जो आपको ना पसंद हो इसमें से हटा लीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश हरा धनिया जो 3 से 4 चम्मच है, ये डाल देंगे। तो फ्रेंड, अब इसमें हम डालेंगे दूध। दूध डालने से बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। अगर आपके पास दूध ना हो तो आप इसमें क्या डाल सकते हैं, दही डाल लीजिएगा, 1 चम्मच डालिएगा, खट्टा नहीं होना चाहिए। और हमने 4 छोटा चम्मच डाला है इसके अंदर दूध। अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे बिना पानी डाले। तो बढ़िया तरीके से हम जब मिलाएंगे तो ये बढ़िया आटे के फॉर्म में आ जाएगा और कोई चीज इसके अंदर नहीं जाएगी। तो चलिए फटाफट मिला लेते हैं। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें दबाना है और देखिए कितनी अच्छे से बाइंडिंग आ रही है। और ये देखिए, तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं डाला तब भी कितने अच्छे से हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों को वॉश कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसको शेप देंगे। तो फ्रेंड, हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना, तो हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेना है। अब हम इसे शेप देंगे। तो फ्रेंड, अब हम मिश्रण का थोड़ा सा पार्टीशन लेंगे और इस तरीके से इसको देते हुए इसके हम रोल बनाएंगे। तो आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, मैं इसे रोल में बनाऊंगी इस तरीके से, बिल्कुल हल्के हाथों से, हल्का हल्का सा लॉक करेंगे और ये रोल रेडी हो चुका है। चलिए फटाफट से हम अपने रोल तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से लेना है और अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से दबाने के बाद इसे फ्लैट कर देना है और इस तरह से हमें इसको रोल के शेप में बना लेना है। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, मैं इसे रोल के शेप में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली ये शेप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और स्टोर करने में भी आसानी होती है। और इस तारी में आप जब इसे खाते हैं तो आपकी टाइम की भी बचत हो जाती है। चलिए फटाफट रोल बना लेते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से मैंने रोल रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, इसे बनाते हैं। आप चाहे तो इसे रख सकते हैं फ्रिज में, जब आपके मेहमान है या इफ्तार का टाइम हो आप इसे निकाल कर तुरंत बना सकते हैं। आधे मैंने फ्रिज में लगा दिए, आधे मैं बनाने वाली हूँ आपके सामने। तो चलते हैं गैस की तरफ, बनाना शुरू करते हैं।
तो फ्रेंड आगे गैस की तरफ और एक पैन रखा है, आप इसे फ्राई करने के लिए या डीप फ्राई कर सकते हैं, सलो फ्राई भी कर सकते हैं, मैं इसे सलो फ्राई कर रही हूँ। ख्याल बस ये रखना है, थोड़ा सा फैला हुआ बर्तन लीजिए और जो बर्तन में आप इसे बना रहे हैं वो भारी होना चाहिए। तेल को हम बिल्कुल हाई फ्लेम पर गर्म कर लेंगे, जब हमारा तेल बिल्कुल बढ़िया तरीके से गर्म हो जाएगा फ्लेम को लो कर देंगे और इसको बिल्कुल प्यार से डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से पटकना नहीं है, नहीं तो ये नाजुक होता है, टूट जाएगा। और इसमें कुछ भी चीज़ें मैंने नहीं ऐड की हैं, बहुत ही कम चीज़ों से बनाया है। और वेजिटेबल तो आपको जो मिले आप ऐड कर सकते हैं और जो ना मिले उसे हटा दीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा दूरी दूरी पे डालेंगे। अगर आपका पैन छोटा है तो आप इसे दो बैचेस से बना सकते हैं, बड़ा है तो एक ही बैचेस से बना पाएंगे। तो दो मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, करछी उड़छी नहीं लगाना है, ना चम्मच लगाना है, बस इसे हमें धीमी धीमी आंच पर पकने देना है। दो मिनट बाद हम इसे टर्न करेंगे। तो फ्रेंड दो मिनट हो चुके हैं, अब हम नाइफ की सहायता से इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे, क्योंकि नाइफ से ये बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। और कितना प्यारा कलर आ चुका है आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह से हमें इसकी साइडों को बदल देना है। अब इसे हम दूसरे साइड से भी दो मिनट पकाएंगे और फिर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड दो मिनट हो चुके हैं, ये दोनों साइड से बढ़िया तरीके से हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं, बहुत ही आसानी से ये निकल जाएंगे और थोड़ी देर हम इसे साइड में रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। तो ये देखिए हमने निकाल लिया है, अब इसे हम निकाल कर आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा ब्रेड और आलू का ये अमेजिंग सा नाश्ता। देखिए कैसा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा, बहुत ज्यादा कुरकुरा है, सॉफ्ट है। आप इसे चाय के साथ, केचप के साथ, हरी चटनी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले। अंदर से ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ऊपर से करारे है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी है, देखिए इसकी खनक की बता रही है, और अंदर से सॉफ्ट है, मुंह में मेल्ट होने वाले बने हैं। तो चाय के साथ, केचप के साथ, हरी चटनी के साथ एंजॉय कीजिए और इफ्तार में बनाकर जरूर खाइएगा। कैसी लगी आपको रेसिपी ये भी बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि कोरोना फिर से फैल रहा है। घर में रहकर इबादत कीजिए, रोजे रखिए और बहुत सारा प्यार और सम्मान आप सभी को। बाय एंड टेक केयर।